Okay, now next second type of switching, that is message switching. In previous video we have seen circuit switching. Now message switching क्या होता है? Message switching use होता है, जैसे circuit switching use होता है था आपके communication के लिए, telephone communication के लिए. जैसे message switching नाम में ही message है, तो text के form में data transmit होता है, not in the form of voice, audio or video. Audio के form में नहीं, सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है. सच एज जैसे आपका मोबाइल का मैसेज कम्युनिकेशन हो गया, चैटिंग हो गया या ईमेल हो गया, तो ये सब जो डेटा ट्रांसफर होता है वो मैसेज स्विचिंग के यूज से होता है. ठीक है, तो विथ मैसेज स्विचिंग देयर इज नो नीड टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन टू स्टेशन. अगर हमको मैसेज सेंड करना है किसी यूजर को या आपके फ्रेंड को, तो आपको जैसे कॉल लगाते हैं वैसे कॉल नहीं लगाना पड़ता. मीन जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट है वो स्टेप नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली आप मैसेज टाइप करते ही सेंड करते हो, मीन्स ट्रांसमिट करते हो. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है और इस्टेब्लिशमेंट या सेटअप कनेक्शन या सेटअप डिसकनेक्शन का भी कुछ यहाँ पे जो फेजेज है वो नहीं होता है. व्हेन अ स्टेशन सेंड अ मैसेज अ डेस्टिनेशन एड्रेस इज अपेंडेड टू द मैसेज. यानी अगर हमको मैसेज सेंड करना है या ईमेल सेंड करना है, तो उसके मैसेज में ही हम जो रिसीवर है उसका, जिसको भेजना है उसका एड्रेस या मोबाइल नंबर टाइप करते हैं या उसका ईमेल आईडी ट्रांसमिट करते टाइप करते हैं. मीन्स जो भी मैसेज भेजना है उसके साथ आप डेस्टिनेशन एड्रेस अपेंडेड करते हैं विद द मैसेज. ओके, द मैसेज इज देन ट्रांसमिटेड थ्रू द नेटवर्क इन इट्स एंटायरली फ्रॉम नोड टू नोड. फिर डेटा के साथ उसका एड्रेस कंबाइन करने के बाद फिर जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ईच नोड रिसीव द एंटायर मैसेज, स्टोर इट इन इट्स एंटायरली ऑन डिस्क एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट नोड. अभी ये जो मैसेज स्विचिंग है यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड किया मैकेनिज्म यूज होता है. मीन्स सपोज यहाँ पे एक डिवाइस है, उनके बीच में नंबर्स ऑफ स्विचिंग नोड्स है एंड फिर रिसीवर है आपका फाइनली. तो एक मिनट, यहाँ पे डायग्राम होगी. हाँ ठीक है, तो ये सेंडर हो गया सपोज कंप्यूटर मेल के लिए या मोबाइल फोन होगा मैसेज के लिए, और ये रिसीवर हो गया. उनके बीच में कम नेटवर्क है, नेटवर्क में नंबर्स ऑफ स्विचिंग नोड्स अवेलेबल है. तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज इसने एक मैसेज टाइप कर लिया, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी लिख दिया और वो सेंड कर दिया, तो वो इंटरमीडिएट नोड पे ट्रांसमिट होता है. फिर वहाँ पे क्या होता है, वो पूरा का पूरा मैसेज जो होता है वो स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद फिर वो फॉरवर्ड होता है, इधर आने के बाद फिर से वो स्टोर होता है और देन फॉरवर्ड होता है, जब तक वो रिसीवर के पास फाइनली पहुँच नहीं जाता. और जब ये रिसीवर के पास फाइनली पहुँच जाता है तो फिर ये स्टोर मैसेज जो है वो डिलीट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट बफर होता है, वहाँ पे वो मैसेज स्टोर होता है. अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैसेज आ गया और अभी इसको सेंड करना है, बट यहाँ पे सफिशियंट मेमोरी नहीं है वो मैसेज स्टोर करने के लिए, तो वो ये जो डिवाइस है वो तब तक वेट करता है जब तक इसके पास जो मेमोरी है वो थोड़ी अवेलेबल नहीं हो जाती. ठीक है, तो अगर मेमोरी अवेलेबल हो जाती है तो वो फिर से मैसेज सेंड करता है, फिर यहाँ पे पूरा स्टोर होने के बाद ही वो आगे मैसेज ट्रांसमिट होता है. तो इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, यानी मैसेज स्टोर करता है देन फॉरवर्ड करता है, स्टोर करता है एंड देन फॉरवर्ड करता है. सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड अ स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क. ओके, अ मैसेज स्विचिंग नोड इज टिपिकली अ कंप्यूटर. द डिवाइस नीड सफिशियंट सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी स्टोर्ड इन. अभी इनमें स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज होता है, तो एक्चुअली मैसेज स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी की जरूरत होती है. So this requires sufficient secondary storage to store the incoming message. A time delay is introduced using this type of scheme due to stored and forward time. अभी suppose आप एक आधा mail send करते हो या message send करते हो, तो ये तब के तब वो रिसीव नहीं होता है, मीन्स कुछ टाइम लेता है, कुछ सेकंड का टाइम लेता है, तो वो जो डिले होता है वो आपको क्योंकि स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज होता है इसलिए, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए कुछ टाइम लगता है फिर वो फॉरवर्ड होता है, स्टोर करने के कुछ टाइम लगता है फिर वो फॉरवर्ड होता है. सो इन मैसेज स्विचिंग देयर इज सम टाइम डिले ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी प्लस द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड नेक्स्ट नोड इन द ट्रांसमिशन पाथ. देन एडवांटेज ऑफ मैसेज स्विचिंग, चैनल इफिशियंसी कैन बी ग्रेटर.
कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग सिस्टम बिकॉज मोर डिवाइसेस आर शेयरिंग द चैनल। ओके, यहाँ पे एक डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है, मीन्स जैसे सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ है, जब तक उनका कम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं हो जाता तब तक वो दूसरे जो उनका जो कम्युनिकेशन लिंक है वो यूज़ नहीं कर सकते या रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कुछ डेडिकेशन नहीं है, कुछ सेटअप नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी उनके रिसोर्सेस है वो शेयर होते हैं नाउ थ्रू द नंबर्स ऑफ चैनल। देन ट्रैफिक कंजक्शन कैन बी रिड्यूस बिकॉज मैसेज में भी टेम्पररली स्टोर्ड इट राउट। ओके, कंजेशन मीन जो ट्रैफिक होता है तो एट ए टाइम नंबर्स ऑफ मैसेज कंजेशन हो रहा है तो वो ट्रांसमिशन रुक जाता है, यहाँ पे स्टोर रहता है तो वहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है, फिर बाद में कुछ ट्रैफिक थोड़ा कम होने के बाद फिर वो आगे ट्रांसमिट होता है। मैसेज प्रायोरिटीज कैन बी एस्टेब्लिश ड्यू टू स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड टेक्निक। यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी भी हम सेट कर सकते, अगर हायर प्रायोरिटी वाला मैसेज होगा तो वो फर्स्ट ट्रांसमिट होता है एज कम्पेयर टू लोअर प्रायोरिटी मैसेज। मैसेज ब्रॉडकास्टिंग कैन बी अचीव विद द यूज ऑफ ब्रॉडकास्ट एड्रेस अपेंडेड इन द मैसेज। अगर हमको मैसेज ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो मैसेज के साथ ही हमको नंबर्स ऑफ मैसेज नंबर्स ऑफ एड्रेस वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे तभी वो ब्रॉडकास्टिंग हम कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स वन टू मेनी, मुझे एक सेंडर है और ना मल्टीपल नंबर्स ऑफ रिसीवर है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, अगर हमको मल्टीपल नंबर्स ऑफ लोगों को मैसेज सेंड करना है तो हम मैसेज के साथ मल्टीपल नंबर्स वहाँ पे ऐड कर देते हैं और वो मल्टीपल नंबर्स को मैसेज जो है वो रिसीव हो जाता है, उसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। देन डिसएडवांटेज है मैसेज स्विचिंग इज नॉट कंपेटेबल विद इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। इंटरैक्टिव एप्लीकेशन मीन्स रियल टाइम डेटा वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, इंटरैक्टिव नहीं होता है, एट ए टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, जैसे रियल टाइम में वो कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। पहले मैसेज सेंड करता है, फिर वो पढ़ता है, फिर उसको रिप्लाई देता है। जैसे कम्युनिकेशन में क्या होता है, एट अ टाइम हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं, टेलीफोन कन्वर्सेशन है तो मैसेज में नहीं दे सकते, ठीक है। तो इंटरेक्टिव एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ नहीं होता है। एंड स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड डिवाइस आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे मस्ट हैव लॉन्ग लार्ज डिस्क टू होल्ड अ पोटेंशियल। एंड जो ये मैसेज स्विचिंग होता है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि यहाँ पे स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है तो उसके लिए स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी की जरूरत होती है, इसलिए वो एक्सपेंसिव होता है। तो ये हो गया आपका मैसेज स्विचिंग। सो मैसेज स्विचिंग यूज होता है मैसेज चैटिंग और ईमेल ट्रांसमिशन के लिए। देन थर्ड टाइप है स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट अभी मैं सर्किट स्विचिंग में देख लिया हमने, वो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इस्टेब्लिशमेंट डेटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन क्लोज होता है, मीन टेलीफोन टेलीफोन कन्वर्सेशन के लिए यूज होता है। मैसेज स्विचिंग मैसेज चैटिंग या ईमेल के लिए होता है। फिर पैकेट स्विचिंग, तो पैकेट स्विचिंग इंटरनेट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ऑल इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इन टू स्मॉल स्मॉल पार्ट, दैट स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड एज द पैकेट्स एंड देन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट थ्रू द नंबर्स ऑफ पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, सो पैकेट स्विचिंग कैन बी सीन एज अ सोल्यूशन दैट ट्राइज टू कंबाइन द एडवांटेज ऑफ मैसेज एंड सर्किट स्विचिंग। देर आर टू मेथड ऑफ पैकेट स्विचिंग। अगेन पैकेट स्विचिंग के दो टाइप्स है, डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट। यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस है पैकेट स्विचिंग की, ए को एच मशीन ए को एच मशीन एच के पास डेटा सेंड करना है, तो जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो सिक्स पैकेट में डिवाइड हो गई, 1 2 3 4 5 6। अभी पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, हर एक पैकेट डिवाइड होने के बाद कौन सा भी पाथ वो डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये एक नंबर का पैकेट ये पाथ फॉलो किया, दो नंबर के पैकेट ने ये पाथ फॉलो किया, फिर तीन ने इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर से पाथ फॉलो किया, चार। तो पैकेट डिवाइड होने के बाद ऐसा नहीं है कि इधर सीरियली ही वो रिसीव होने चाहिए, यहाँ पे रिसीव होने के बाद उनका सिंक्रोनाइजेशन होता है और वो फिर मैसेज जो है वो सीरियली यहाँ पे रिसीव होने के बाद सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होती है, फिर इसको ओरिजिनल मैसेज जो है वो रिसीव होता है, ठीक है। सो इन पैकेट स्विचिंग मेथड अ मैसेज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड एज पैकेट, देन ईच पैकेट इज टैग्ड विद एप्रोप्रिएट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। फिर ईच पैकेट में अपेंड किया जाता है उसका सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सिंस पैकेट हैव अ स्ट्रिक्टली डिफाइंड मैक्सिमम लेंथ दे कैन बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इंस्टेड ऑफ डिस्क, देयरफॉर एक्सेस डिले एंड कॉस्ट आर मिनिमाइज। अभी इसमें पैकेट जो होती है वो उसकी मैक्सिमम लेंथ डिफाइन होती है, इसलिए वो लेंथ के अबो
दूसरी उसके से बड़ा पैकेट जो है वो नहीं हम सेंड कर सकते, इसलिए वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, डायरेक्टली मेन मेमोरी में आने के बाद ही वो ट्रांसमिट होता है, इसलिए हमारा जो टाइम डिले है वो वहाँ पे बचता है। देन ऑल्सो द ट्रांसमिशन स्पीड बिटवीन नोड्स आर ऑप्टिमाइज विथ करंट टेक्नोलॉजी, पैकेट्स आर जनरली एक्सेप्टेड ऑन टू द नेटवर्क ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज। ओके, देन यूज ऑफ पैकेट, देखो यहाँ पे एक मशीन है और ये मशीन बी है, तो यहाँ पे जो भी डेटा सेंड करना है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये पैकेट वन, पैकेट टू, पैकेट बी, और ये जो सिल्वर कलर का है वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस से जो मेन मैसेज डेटा के साथ वो या पैकेट के साथ अपेंड होता है, फिर वो नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे पैकेट जो है वो रिसीव होते हैं, फिर सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे और से जो ओरिजिनल डेटा है वो रिकवर किया जाता है और रिसीव होता है मशीन को। सो अ स्टेशन ब्रेक लॉन्ग मैसेज इनटू पैकेट्स, पैकेट आर सेंट आउट टू द नेटवर्क सिक्वेंशियली वन एट अ टाइम। देन उसके दो टाइप से पैकेट स्विचिंग के, डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट। सो फर्स्ट वन इज द डेटाग्राम। अभी डेटाग्राम में क्या होता है, जो मैसेज है ओरिजिनल मैसेज है वो स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड होता है, फिर वो नंबर्स ऑफ पैकेट डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर जो पैकेट्स है वो एक ही पाथ फॉलो करते हैं, नहीं, जैसा एक नंबर का पैकेट दूसरा पाथ फॉलो कर सकता है, दो नंबर का पैकेट दूसरा पाथ फॉलो कर सकता है, तो ये डेटाग्राम स्विचिंग है। सो ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली विथ नो रेफरेंस टू पैकेट दैट हैव गॉन बिफोर। पैकेट कैन टेक एनी पॉसिबल राउट, पैकेट में अराइव एंड रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कौन से भी ऑर्डर से वो रिसीव हो सकता है। देन पैकेट में गो मिसिंग, एक आधा पैकेट मिस भी हो सकता है, इट इज़ अप टू रिसीवर टू री ऑर्डर पैकेट एंड रिकवर फ्रॉम मिसिंग पैकेट। फिर री ऑर्डर करने के बाद या सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होने के बाद फिर अगर उसको पता चलता है कि पैकेट मिसिंग है तो फिर उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ डेटाग्राम स्विचिंग इज द इंटरनेट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेटाग्राम स्विचिंग। सपोज ये सेंडर मशीन है और ये रिसीवर मशीन है, तो अगर यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा है वो थ्री पैकेट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3, तो यहाँ पे वन टू पैकेट ने ये पाथ फॉलो किया, फिर वन ने ये, फिर टू, फाइनली यहाँ पे जो पैकेट्स है वो रिच हुआ टू दी रिसीवर मशीन। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटाग्राम स्विचिंग।